आखिर क्यों जीव लटकाकर हांफता है कुत्ता? तिब्बत और भूटान जैसे पहाड़ी इलाकों में क्यों बांधे जाते हैं रंगीन झंडे? क्या जीव पर भी उग सकते हैं बाल? इसके पीछे की वजह जानकर दंग रह जाएंगे आप। क्या आपने देखी है दुनिया की सबसे अजीबोगरीब सब्जी मंडी, जहां बीच से गुजरती है ट्रेन? आखिर क्या है हलाला हॉलीडे जिसकी मांग कर रही हैं मुस्लिम लड़कियां? और आज आप दुनिया की सबसे जहरीली जगह के बारे में जानेंगे, जहां कदम रखते ही हो जाती है इंसान की मौत। तो आइए शुरू करते हैं देश और दुनिया से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर वन, फ्रांस में एक ऐसी जगह मौजूद है जिसे दुनिया का सबसे जहरीला और खतरनाक स्थान माना जाता है। इस जगह का नाम जोन रोग है, जिसे डेंजर जोन के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध से पहले इस जगह पर तमाम तरह की वनस्पति, फूल और पेड़ पौधे हुआ करते थे, लेकिन युद्ध के बाद इस जगह के हालात पूरी तरह से बदल गए। इस जगह की मिट्टी से लेकर पानी तक हर चीज में जहर घुला हुआ है, जिसके संपर्क में आने से इंसान और जानवर किसी की भी पल भर में मौत हो सकती है। इसी वजह से फ्रांस सरकार ने डेंजर जोन में जाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, जहां बीते 100 सालों से कोई इंसान या जानवर नहीं गया है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस जगह पर इतने बम गिराए गए थे कि उनके विस्फोट से मिट्टी और पानी में केमिकल मिक्स हो गया था, जबकि यहाँ की हवा में भी जहरीले तत्वों की मात्रा काफी ज्यादा है। वैज्ञानिकों की माने तो डेंजर जोन की मिट्टी और पानी में आर्सेनिक की मात्रा इतनी ज्यादा है कि अगर कोई इंसान उसका जरा सा भी सेवन करता है तो जहरीले तत्वों की वजह से उसकी पल भर में मौत हो जाएगी। यही वजह है कि डेंजर जोन में न तो कोई वनस्पति उगती है और न ही यहाँ के तालाब में किसी प्रकार की मछली या जीवन मौजूद है, जिसकी वजह से इसे दुनिया की सबसे जहरीली जगह माना जाता है। फैक्ट नंबर टू, आमतौर पर लड़कियों को लंबे बाल पसंद होते हैं, और अगर किसी लड़की के बाल प्राकृतिक रूप से लंबे होते हैं तो वह उन्हें किसी भी कीमत पर कटवाने से परहेज करती है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अगर कोई लड़की अपने लंबे बाल कटवाने की हिम्मत रखती है तो वह गुस्से में किसी भी इंसान का कत्ल कर सकती है। साइकोलॉजी के अनुसार लड़कियों को अपने लंबे बालों से बहुत प्यार होता है, लेकिन अगर वह किसी वजह से अपने बाल कटवा सकती हैं तो उनके अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत और गुस्सा होता है। ऐसी लड़कियां गुस्से में किसी इंसान की हत्या कर सकती हैं, क्योंकि उनके लिए लंबे बाल काटना और किसी इंसान का कत्ल करना एक समान होता है। हालांकि इन दावों में कितनी हकीकत है ये कोई नहीं जानता, लेकिन अगर आप एक लड़की हैं तो अपने लंबे बालों को बिल्कुल भी मत कटवाइएगा। फैक्ट नंबर थ्री, कई मुस्लिम देशों में हलाला हॉलीडे की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसमें लड़कियों की संख्या सबसे ज्यादा है। यह एक खास तरह का वेकेशन होता है जिसमें लड़कियां इस्लामिक नियमों का पालन करते हुए घर से बाहर घूमने के लिए जाती हैं। इसमें धार्मिक स्थलों से लेकर होटल और रेस्टोरेंट शामिल होते हैं, जहां इस्लामिक नियमों का पालन किया जाता है और किसी प्रकार का ड्रेस कोड लागू नहीं होता। ऐसे में मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखने वाली महिलाएं हिजाब या फिर अपनी सुविधानुसार कपड़े पहनकर बाहर घूमने जाती हैं, और उन्हें स्विमिंग पूल में जाने के लिए अलग से कोई कॉस्ट्यूम पहनने की जरूरत नहीं होती है। इसी प्रकार हलाला हॉलीडे पर गई महिला और पुरुष ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं जहां शराब जैसे नशीले पेय पदार्थ नहीं परोसे जाते हैं, जबकि यह लोग ऐसे होटल में ठहरते हैं जहां कम कपड़े पहनने वाले लोगों की एंट्री नहीं होती है। कुल मिलाकर हलाला हॉलीडे में इस्लामिक नियमों का पालन किया जाता है, और इसके तहत दुनिया भर में खास तरह के रेस्टोरेंट और होटल खोले गए हैं जहां मुस्लिम धर्म के लोग खुलेआम नमाज पढ़ सकते हैं और उन्हें अपनी सुविधानुसार रहने, कपड़े पहनने और खाने पीने की इजाजत होती है। फैक्ट नंबर फोर, आपने सड़क पर सफेद या पीले रंग की सीधी लाइन बनी हुई देखी होगी, लेकिन फ्रांस के एक शहर में सड़क पर आड़ी तिरछी लाइनें बनाने का रिवाज सालों से चला रहा है। फ्रांस के एंगर्स शहर के नजदीक मौजूद बॉन नामक कस्बे में हर घर के बाहर सफेद रंग की आड़ी तिरछी लाइन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से पर्यटक अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। दरअसल बॉन कस्बे की आबादी सिर्फ 1,700 है, जिसकी वजह से यहाँ अन्य सड़कों पर ना के बराबर ट्रैफिक होता है, लेकिन इस कस्बे में D74 और D82 नामक दो सड़कों पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है, जिसकी वजह से अक्सर वाहन चालक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए आगे निकल जाते हैं। इससे सड़क पर पैदल चलने वाले लोगों और आसपास रहने वाले स्थानीय नागरिकों को परेशानी होती है, क्योंकि इन सड़कों पर वाहन चलाने की स्पीड सिर्फ 30 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास है। ऐसे में बॉन कस्बे में रहने वाले लोगों ने खुद से सड़क पर आड़ी तिरछी लाइनें बना दी, जिससे वाहन चलाने वाले लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं और उनकी गाड़ी की रफ्तार अपने आप कम हो जाती है। इन लाइनों की वजह से वाहन चालक को लगता है कि सड़क का डिजाइन टेढ़ा मेढ़ा है, जिसमें तेज रफ्तार से गुजरना रिस्की हो सकता है। इस आइडिया को ध्यान में रखते हुए बॉन कस्बे में लगभग सभी सड़कों के ऊपर टेढ़ी मेढ़ी लाइन बना दी गई है, जिससे वाहन चालक अपनी स्पीड को कंट्रोल में रखते हैं और पैदल चलने वाले यात्रियों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता है। वहीं इन आड़ी तिरछी लाइनों को देखने के लिए कई पर्यटक हर साल बॉन कस्बे में पहुँचते हैं।
फैक्ट नंबर 5, अगर आप भी ज्यादा सिगरेट या तंबाकू का सेवन करते हैं तो आपकी जीभ पर बाल उग सकते हैं या फिर उसका रंग हरा हो सकता है। हाल ही में अमेरिका के ओहायो में एक व्यक्ति को अजीबोगरीब बीमारी हुई है जिसकी वजह से उसकी जीभ में बाल उग आए हैं और उससे काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। डॉक्टरों की माने तो जो लोग ज्यादा सिगरेट या तंबाकू का सेवन करते हैं उनकी जीभ में अलग प्रकार का केमिकल रिएक्शन होता है और इसकी वजह से जीभ पर बाल उगने या फिर उसका रंग हरा होने की समस्या हो जाती है। इसके अलावा कुछ मामलों में दांत और मसूड़ों के इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स का सेवन करने की वजह से भी जीभ में बाल उगने या फिर उसका रंग बदलने की बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति को जीभ में जलन और खुजली का एहसास होता है। हालांकि अभी तक वैज्ञानिक इस बीमारी का नाम और इलाज नहीं खोज पाए हैं, जबकि दुनिया भर में इस तरह के मामले बहुत ही कम या ना के बराबर देखने को मिलते हैं। लेकिन डॉक्टरों का मानना है कि अगर समय रहते इस बीमारी के प्रति आम लोगों को सतर्क नहीं किया गया तो तंबाकू और सिगरेट की वजह से जीभ की बीमारी पूरे विश्व में फैल सकती है। फैक्ट नंबर 6, थाईलैंड में मैकलोंग रेलवे मार्केट पूरी दुनिया में मशहूर है क्योंकि इस सब्जी मंडी के बीचों बीच इंसान के अलावा ट्रेन भी गुजरती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, यह सब्जी मंडी रेलवे ट्रैक के अगल बगल लगाई जाती है और यहाँ सब्जी की कीमत भी काफी कम होती है। ऐसे में थाईलैंड के ज्यादातर लोग सब्जी खरीदने के लिए इसी मार्केट में आते हैं, लेकिन जैसे ही ट्रैक पर ट्रेन आती है वैसे ही सभी दुकानदार अपनी टोकरियों को पीछे खींच लेते हैं और सभी ग्राहक ट्रैक के किनारे शांति से खड़े हो जाते हैं। वहीं ट्रेन गुजरने के चंद सेकंड बाद ही ट्रैक पर वापस से सब्जियां बिछा दी जाती हैं और सभी ग्राहक बारी बारी से सामान खरीदते हैं। वहीं इस मार्केट को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक मंडी पहुंचते हैं। इस सब्जी मंडी की रेलवे ट्रैक से रोजाना 6 गाड़ियां गुजरती हैं, जो मंडी से कुछ किलोमीटर की दूरी से ही तेज हॉर्न बजाना शुरू कर देती हैं, ताकि मंडी में सब्जी बेच रहे दुकानदार और ग्राहक सतर्क हो जाएं। इस सब्जी मंडी को थाईलैंड की शान माना जाता है, इसलिए इतना रिस्क होने के बावजूद भी न मंडी को बंद किया जाता है और न ही रेलवे ट्रैक से गुजरने वाली ट्रेनों की रूट को बदला जाता है। फैक्ट नंबर 7, आपने अक्सर देखा होगा कि हिमाचल, उत्तराखंड, लेह लद्दाख, तिब्बत, नेपाल और भूटान जैसे जगहों व देशों में कई जगहों पर रंगीन झंडे लगे हुए दिखाई देते हैं, जबकि कई लोग सजावट के लिए इन झंडों को अपनी बाइक और कार में भी लगा लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन रंगीन झंडों का असल महत्व क्या है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि यह झंडे बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन झंडों को प्रार्थना ध्वज या प्रेयर फ्लैग के नाम से जाना जाता है, जिसमें बौद्ध धर्म के मंत्र लिखे होते हैं और इन झंडों का रंग सफेद, नीला, पीला, लाल और हरा होता है। माना जाता है कि झंडों पर लिखे गए मंत्र हवा के संपर्क में आने के बाद आसपास के इलाके में फैल जाते हैं, जिससे उस जगह में सकारात्मक शक्ति का प्रवाह होता है और चारों तरफ शांति का माहौल बना रहता है। इन झंडों में लाल रंग आग, नीला रंग हवा, पीला रंग पृथ्वी, सफेद रंग बर्फीले पहाड़ों और हरा रंग पानी का प्रतिनिधित्व करता है। माना जाता है कि रंगीन झंडों का सबसे पहले इस्तेमाल गौतम बुद्ध ने किया था, जिन्होंने इन झंडों पर मंत्र लिखकर पेड़ के आसपास बांध दिए थे और फिर उसी जगह पर ध्यान लगाया था। यही वजह है कि जिन इलाकों में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग ज्यादा संख्या में रहते हैं वह अपने आसपास के इलाके को सकारात्मक बनाने के लिए पेड़ पौधों, चट्टानों और खुले स्थानों पर रंगीन झंडे बांध देते हैं। इससे न सिर्फ प्रकृति की सुंदरता बढ़ती है बल्कि झंडे में लिखे मंत्र हवा के जरिए दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। फैक्ट नंबर 8, अगर आप डॉग लवर हैं तो आपने अक्सर इस बात को नोटिस किया होगा कि कुत्ता हमेशा अपनी जीभ लटकाकर हांफता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे असल वजह क्या है? दरअसल कुत्ते का शरीर दूसरे जानवरों या इंसान के मुकाबले अलग तरीके से काम करता है। ऐसे में गर्मी के सीजन में कुत्ते ज्यादा समय तक अपनी जीभ को बाहर लटकाकर हांफते हैं, जिससे उनके शरीर में तापमान नियंत्रित रहता है। असल में कुत्ते के शरीर में अलग से पसीने की ग्रंथियां नहीं होती हैं, जिसकी वजह से कुत्ते को अपने शरीर से गर्मी को बाहर निकालने और बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए अपनी जीभ पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में कुत्ता अपनी जीभ को बाहर लटकाता है और हांफते हुए शरीर के अंदर की गर्मी बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिससे उसकी बॉडी का तापमान सामान्य हो जाता है। आपको बता दें कि कुत्तों को गर्मी और सर्दी में बदलते मौसम का एहसास काफी ज्यादा होता है, इसलिए वह हर मौसम में अलग अलग प्रक्रिया के जरिए अपने बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित रखने की कोशिश करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।